shawl, and then also हमारे मिनिस्टर साहब के हाथ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और सबका धन्यवाद और मैं फिर से यही कहूंगा इतना कुछ कहा गया है फिल्म टूरिज्म के बारे में ये वाकई सच है जहां जहां फिल्में बनती हैं मेरा अपना तजुर्बा भी यही है शोले जब हमने बनाई एक चंबल वैली की फिल्म हमने जाके मैसूर और बेंगलोर के बीच एक बिल्कुल ऐसी वीरान जगह पे जाके बनाई कि कोई जानता ही नहीं था और उसके रिलीज के बाद लोग वहाँ से गुजरते थे और कहते थे कि यही है वो जहाँ शोले बनी है तो एक टूरिज्म के लिए वहाँ जो लोग जाते थे एक चक्कर जरूर मार आते हैं मैं चाहूँगा कि ये जो रिश्ता है फिल्म और टूरिज्म का ये हमेशा चलता रहे और इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ हमें अच्छी नई नई जगहें मिलती हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारी फिल्मों में दिखाने के लिए और टूरिज्म वालों को बहुत से टूरिस्ट और आ जाते हैं कि अच्छा ये वही जगह है जहाँ एक रोमांस हुआ था कहीं कुछ मिस्टर मुकेश गुप्ता मिस्टर किशोर का आया प्लीज कम सर ऑन द डायस मिस्टर विनोद जुत्सी एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर सतीश कौशिक जी काइंडली कम ऑन द डायस एंड रिसीव दिस अवार्ड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज I would request Mr. Paul Krishna D.K. Agarwal to kindly place the khada. And I would request Mr. Satyajit Rajan sir, if you can also come on the dais sir and give this trophy to Mr. Satish Kaushik. A big round of applause. I would request Satish ji to kindly say a few words and I would request the dignitary kindly please be here, sir. Hi, good afternoon, friends. मुझे तो अपने क्लिप पे देख के हंसी आ रही है सर ये कैसे कर दिया पता ही नहीं चला एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली ट्रॉफी एंड शॉल एंड रिस्पेक्ट थैंक यू वेरी मच मुझे राजन जी जो है दिल्ली में मिले एक बार और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा एक इवेंट होने वाला है हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए फिल्म टूरिज़्म का एक इवेंट करने वाले हैं तो आप अगर आ सकेंगे तो बहुत अच्छा रहा मैंने कहा ज़रूर आऊँगा क्योंकि टूरिज़्म और फिल्म का जो मेल मिलाप है वो बहुत सालों का है और बहुत अच्छा बहुत सुदृढ़ है और हमेशा से चलता आ रहा है क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं जिस लोकेशन में भी जाते हैं वो लोकेशन एक तरह से हमारा घर बन जाता है हमारी अपनी जगह बन जाती है हम उसको ओन करने लगते हैं सब में कहीं भी हम शूटिंग करें चाहे हम अब्रॉड शूटिंग करें चाहे अपने मुल्क में शूटिंग करें कहीं भी जाते हैं वो कुछ अपनापन सा दे जाती है और उस लोकेशन को हमेशा हम याद रखते हैं और ये जो हर जगह परमिशंस वगैरह जो मिलती हैं जब हम इस तरह के इवेंट्स करते हैं तो थोड़ी जागरूकता और बढ़ती है कि हमारी हमारे हिंदुस्तान के बारे में लोगों को पता चले बाकी कंट्रीज़ को पता चले कि हमारी फिल्में भी हमारी जगह पे भी आपके आप शूटिंग करें तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं हम जब भी बाहर जाते हैं और ये धीरे धीरे मैंने तो पिछले 20 सालों में ये देखा है कि धीरे धीरे ये चीज़ बहुत बड़ी पहले एक स्विट्ज़रलैंड जगह होती थी वहाँ लोग तकरीबन जाया करते थे फिर उसके बाद कहीं मिडल ईस्ट में जाना शुरू हुआ उसके बाद न्यूजीलैंड जाना शुरू हुआ उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू हुआ उसके बाद कनाडा जाना शुरू हुआ अमेरिका जाना शुरू हुआ कहाँ नहीं गए हम लोग शूटिंग करने के लिए लेकिन कितनी हमको सहूलतें मिलती हैं वहाँ पर कितनी हमको मदद मिलती है तो आई थिंक और यही चीज़ जो है हमारे हिंदुस्तान में भी शुरू हो रही है जबकि मेरा हमेशा से ये रहता है कि हमारे हिंदुस्तान में खूबसूरती और लोकेशन की तो खैर कोई कमी है ही नहीं लेकिन कुछ साधनों की जरूर कमी है हमारे पास कि हम कई बार अच्छी अच्छी लोकेशंस पे पहुंच नहीं पाते
हमारा जो कनेक्टिविटी फैक्टर है वो थोड़ा सा उस मामले में कमजोर रह जाता है, जो कि जब हम बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि कहीं भी जाना हो तो उसके साधन जो है बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारी अच्छी लोकेशन पे पहुंचने के लिए ये जरूरी होगा कि हम अपने उन साधनों को और अच्छी तरह से पक्का करें, मजबूत करें, ताकि पूरे संसार भर से जो है वो ना कि हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स बल्कि भारत के फिल्म मेकर्स भी हमारे हिंदुस्तान में देखने आए। अभी शुरुआत अभी बल्कि इतना ये काम बढ़ रहा है टूरिज्म का और फिल्म टूरिज्म का। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और अभी हरियाणा की फिल्म पॉलिसी जो है अभी अनाउंस हुई है और हरियाणा फिल्म जो टूरिज्म बोर्ड है उन्होंने इसको अनाउंस किया है, तो उससे कितना फ़ायदा होगा कि अगर हरियाणा में शूटिंग होती है तो उनकी लोकेशंस को और उनके टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा। तो ये फिल्म पॉलिसी भी इसलिए बनती है कि वो टूरिज्म से जुड़ी होती है, ताकि उन लोगों को जो लोग हैं वो एक्चुअली उस जगह की खूबसूरती को देख सकें। आपका राजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रफी साहब आप भी हमारे जैसे हमने करियर शुरू किया आपने भी अपना पॉलिटिकल शुरू साथ साथ शुरू किया, आज आप इस ऊंचाइयों में पहुंच गए हैं और हम लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कुछ काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर बुलाया और ये सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली can I request Mr. Kulmeet Makkad ji also, if he's around, kindly come on the dais itself, sir. First, Mr. Anupam Shyam. Anupam Shyam ji is an Indian film and TV actor, well known for his film Thakur. Is he here, Mr. Anupam Shyam? He's not there. Mr. Deepak Tijori, he's also not. Mr. Deepak Tijori. A big round of applause for Mr. Deepak Tijori. Mr. Deepak Tijori is an Indian film director and actor who works in Bollywood and Gujarati films. He is well known for his supporting roles इन आशिकी, खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, अंजम, गुलाम एंड बादशाह। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर दीपक तिजोरी। मिस्टर कुलदीप मक्कड़ इफ इज हियर, मे आई रिक्वेस्ट टू काइंडली जॉइन ऑन द डायस इटसेल्फ। A big round of applause. Thank you very much, Mr. Tijori. Mr. Rahul Mitra, if you are here, is a well-known Indian award-winning filmmaker who has produced path-breaking films like Sahab Bibi or Gangster, Sahab Bibi or Gangster Returns, Bullet Raja, Revolver Rani, Sarkar 3, Sahab Bibi or Gangster 3. A big round of applause for Mr. Rahul Mitra. For, you have to have a music also. You have to have a music in the background. May I request? Next. Mr. Rajat Ravel. Rajat Ravel is a film producer. Is he here? Mr. Rajat Ravel? He is not here. Mr. Vinod Bachchan, if you are here, Mr. Vinod Bachchan is an Indian film producer who has produced movies like Shaadi Mein Zaroor Aana, Tanu Vets Manu, Rain, Zilla, Ghaziabad and Yaron Ki Barat. A big round of applause for Mr. Vinod Bachchan. Thank you, sir. Mr. Amitabh Parashar. Mr. Amitabh Parashar is a filmmaker and he has made the films The Eyes of Darkness and he has got the National Award also in the year 2017. Mr. Amitabh Parashar. Mr. Raju Mamani. Mr. Raju Mamani, if you are here, kindly come on the dais itself, sir. A big round of applause for Mr. Raju Mamani. Mr. Mukesh Bahadur Singh, he is a known industrialist of Uttar Pradesh and he has been involved with the UP government for a long time to promote. Mr. Ganesh Jain, if you are here. Mr. Khemchand. It is a great step because films are always being shot on locations and locations has a great value for the films, you know. So, jahan bhi ho, whether it is abroad, whether it is in India. So I think this is a great platform and they keep on doing this. PhD Commerce, Rajan ji is the main guy person who does all this and he only told me to come here. And I think a great opportunity to interact and meet people.
from this thing, because there are some people who have come from abroad also who wants to promote their destinations for the film, and it is like a barter system that you shoot there and you get something from there, you know. So I'm very happy to be here, and the kind of honor they gave me, as I was very humbled by that, and it's very very nice platform. Sir, ek taraf hum tourism ki baat kar rahe hain, sir padosi mulk mein ab Bharat ki karyakram देखिए, मैं तो अभी यहाँ इसी के लिए आऊँ कि जवाब देने के लिए आया हूँ। लेकिन सर, अगर सर I think it's a great step. I myself is a tourism student, and I was really happy and glad to be here. And it was my honor to be here. I also got an award. So I think it's a great initiative, the step they are taking. So I think there should be more awards or more festivals like this to promote tourism. And India is coming up great with the tourism. And I think it's our duty to promote it. And thanks to Bollywood, because of Bollywood, you know, everyone is, they know what is India all about. And I think this is a great, you know, step, or I think this is a great chance where you can easily promote India all over the world. I myself lived all of my life in the US, but I think I'm the first girl who is back to India, and I don't want to leave India. There are beautiful, amazing places in India. I have seen India, I think almost 70% of India, because I think you don't have to go abroad when you're going for vacation or anything. So India itself has amazing locations. You don't have to go to Switzerland. India itself is a Switzerland. I love Kerala, I love Jammu, and there are so many places actually I'm in love with it. So I think this is a great initiative. How much of one film helps in promoting tourism, according to you? I think it has a great part in it. When we shoot abroad, or when now you see a lot of international movies, they are coming to shoot in India. So I think that is amazing. And films, that is a very, I won't say, okay, this is the biggest step. This is a very easy medium to reach normal audience, to promote tourism to normal audience. Because when I have seen in small gowns, like in Punjab, I am from Punjab, so wahan pe I have seen just small cities hote hain, jo wahan ke gowns hote hain. So what they see, this whatever they see on the TV, they believe in that, because for them that's a fantasy. So I think when with the movies, how when we promote tourism, I think that is a great initiative, and that's a great medium or way to reach normal public in India and show all the location and show all part. Okay, besides this, any upcoming projects which you would like to share with us? With the project, yes, after History, I got an amazing response from people, and I'm still waiting for my Nastik to get released. Hopefully this year they're going to release it, and not hopefully, I'm sure they will release this year. And besides, I'm starting two more projects, and I'm also doing on web series, and I think I cannot reveal the details as of now, so you're gonna get to know very soon. Okay, thank you so much.